सारे जैसे आदमी को ऑनलाइन आना पड़ेगा तो हम तो आफत हो गया मेरे लिए। हम देखे रात का 2:30 बज गया था, टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं, अजीब सा माहौल हो गया था, प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी। तो हम लोगों को ये शुरुआत करनी थी, तो हमारे गांव पे मेरा दोस्त था, उसकी फोटोकॉपी की दुकान थी, छोटी सी शॉप थी फोटोकॉपी की। अब स्टूडियो कैसे बनता है भाई पता ही नहीं, तो दो ठो बांस लाए, ऊपर बांस लगाए, उसमें ट्यूबलाइट को रस्सी से बांध उनके बना दिए। अब वो शटर सामने थी, शटर गिराते थे लोग, एक लकड़ी का पलाई बनाए, उस पर पढ़ाना चालू किया। यहाँ लाइफ में क्या होता है सोचेंगे, क्या बनेंगे क्या, पाइस कुछ और चीज की रहती है। जय हिंद। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। आज हम आपसे बीच में बात करते हैं अपने बचपन के कुछ कहानियों के। देखिए हमारा परिवार एक ज्वाइंट फैमिली में, हम लोग एक छोटे से परिवार में जन्म लिए, सब लोग एक साथ रहते थे, अंकल सबका परिवार यहाँ पे, उसमें हम लोग के मकान के भी एक कमरे थे जिसमें हम लोग रहते थे। बचपन में हम बहुत बदमाश थे, मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से क्या होता था कि परिवार में बहुत लोग रहते थे, मोहल्ले वाले पड़ोस वाले, और उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होती थी, हम लोग यही गुल्ली डंडा वगैरह वाला खेलते रहते थे, डेली किसी न किसी से हम झगड़ा किए रहते थे, मेरी मम्मी परेशान होकर रहती थी करेगा क्या जिंदगी में, बहुत परेशानी हो जाती थी। और बचपन में थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से हर चीज लिमिटेड तौर पे मिला, स्कूल हम एक नॉर्मल से स्कूल में गए, और पेंसिल वगैरह तक का भी बचपन में हिसाब मिलता था, पेंसिल खरीद के आती थी उसमें से आधा काट के, आधा तुम लो आधा तुम लो, तुम्हारा पहले कैसे खत्म हो गया, तुम्हारा ज्यादा कैसे चला, काफी ये सब समस्याएं थी। घर के आगे एक कॉलेज था, उस कॉलेज में हम लोग जाते थे देखने के लिए, किसी का पेंसिल तो छूट नहीं गया, किसी का पेन, मतलब जो कुछ किसी किसी का रह जाता था छुट्टी के बाद तो लेके आते थे लोग, या फिर किसी का मतलब कोई किसी के पेज में किताब में कॉपी में कुछ कुछ पेज सादा बच जाता था तो हम लोग उसको कलेक्ट करके ले आते थे और मम्मी को देते थे, मम्मी देखिए इसमें दो पेज सादा है इसमें तीन पेज है, वो सबको ले आके एक जगह बनाते थे, मम्मी उसको सुई धागा से सिल देती थी और उसको हम लोग एक कॉपी बना लेते थे। आज भी आदत उसी में है, ये आज महंगी कॉपियों पे तो हाथ ही नहीं चलता है, वहां पर उसी की आदत लग गई है वहां। और बचपन में हम लोग के घर पे गाय वगैरह भी थी, छोटे छोटे जानवर वगैरह ये सबके पालने में इन लोग के लिए करते रहो, ये सब करते करते बचपना निकल गया। और इस बीच मेरे पिताजी जो थे वो अलग अलग जगहों पे वर्क करते रह गए, कभी सिप बिल्डिंग में, कभी पाइपलाइन में, कभी फॉरेन में, अलग अलग जगह पे, एक स्टेबल नहीं रहा, जिसका खामियाजा हम लोग को आगे जाके बहुत बड़ा भुगतना पड़ गया था फाइनेंशियली खराब होने की वजह से। हमको शुरुआत में हम जब 8 पास किए तो वहीं से हमको फौज में जाने का थोड़ा सा जुनून लगा कि हमको फौज में जाना चाहिए, तो हम 9th में जब पढ़े थे सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों सैनिक स्कूल में नहीं हुआ, तो फिर हमने पॉलिटेक्निक का दिया, तो पॉलिटेक्निक के भी उसमें कुछ देखिए एक्चुअली क्या है कि जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा बेटर होता है जो कॉम्पिटिटिव होती है, तो 8 के बाद ही सैनिक के लिए एक कॉम्पिटिटिव वाला माहौल आ गया था, फिर पॉलिटेक्निक में दिए, उसमें रैंक अच्छा नहीं आया तो हम कहे छोड़ो अब नॉर्मल 10th यानी मैट्रिक करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि NDA का देते हैं, इस बीच AI triple हम लोग के वक्त में होता था, AI triple ही उसको दिए, IIT के दिन तो हम सोए रह गए थे वहां, फिर NDA के गए सिलेक्शन के लिए, तो NDA में रिटेन एग्जाम हुआ वो काफी ठीक ठाक था, और NCC वगैरह हम लोग ने किया था, तो उससे फौज से काफी ज्यादा उससे जानने को मिल गया कौन सा हथियार कैसे काम करता है, ये वो एक जुनून हो गया कि भाई हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था ना कि फौज में हो जाएंगे तो ट्रेनिंग की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग तो इसे बहुत हद तक जानते हैं हथियारों के बारे में। सब होने के बाद वहां पे क्या होता है कि सिलेक्शन काफी प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, वहां मेडिकल जांच होती है हर चीज का, मेरा हाथ काफी टेढ़ा है, अभी इतना टेढ़ा होने की वजह से दोनों हाथ की मतलब अब मेडिकली आउट कर दिया जाए, अब मेडिकल आउट होने की वजह से ये सब चीजें सही नहीं हो सकती, तो यही एक तो वही था मेरे लाइफ का, इसके आगे हमने कोई सपना ही नहीं देखा था कि हमको कुछ और भी करना है, शुरू से ही फौज में ही जाना था हमको, अब हमारे लिए तो एकदम विकट परिस्थिति हो गई, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी दिक्कत हो गया, अब क्या करें। तो नॉर्मल एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा, फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन BSc, अब इसमें फाइनेंशियली दिक्कत भी बहुत ज्यादा आ गया, इन दिक्कत में सबसे ज्यादा साथ दिया मेरे 3 दोस्तों ने, सोनू पवन हेमंत, ये 3 दोस्तों ने हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया, और हम सबसे खुश नसीब हैं, हम ये कह सकते हैं कि दोस्त हमें बड़ा बढ़िया मिले। तो सोनू था, पवन, हेमंत, इन लोगों के पास जो पॉकेट मनी आती थी ना, तो जो घर से उसमें से काट के कुछ हमको दे देते, कुछ ये, तो हम लोग में मिलजुल के अच्छे से करते थे, तो एक साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे, हम सबको चारों को हम लोगों को डिफेंस में ही जाना था,
अब हम लोग ने क्या किया भाई, बाकी लोग की फाइनेंशियली ठीक थी, हेमंत की भी सही नहीं थी, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट था। तो हेमंत ने कहा कि एक काम कर तो भाई, चलो तुम भी को टीचिंग में ले आते हैं। तो उसने क्या किया, हमको एक होम ट्यूशन के पास ले गया पढ़ाने के लिए, होम ट्यूशन। अब हम लोग को बच्चों को उतना पढ़ाने का आइडिया नहीं, बस उसको लड़का बहुत पढ़ने में कमजोर था, और उसको होम ट्यूशन पढ़ाया गया ना, स्कूल में बहुत अच्छा टॉप पे आ गया वो, उसके घर वाले काफी खुश हुए सब, और वो बहुत अच्छा से पढ़ रहा था। इसी बीच उसने कहा कि चलो तुम्हें कोचिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक कोचिंग में गए, वहां पे मतलब काफी स्टूडेंट जो थे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे, नॉर्मल था कोचिंग वहां पे। वहां हम गए तो हमको फर्स्ट दिन केवल 6 लड़के मिले, और 6 लड़के में अजीब सा माहौल हो गया। वो हमको, मेरी दाढ़ी उड़ी भी नहीं थी, तो अजीब उनको लगा कि तो हम ही लोग के बीच का है। तो हम 6 बच्चे को पढ़ाए, हमको भी खुद एम्बेरस फील हो रहा था कि ये लोग हमको उस तरह से देख क्यों नहीं रहे हैं। अब उसको 6 लड़कों से अगले दिन वो 50 हो गए, फिर 100 150, इतना तेज बढ़ने लगा। अब वो कोचिंग वाला जो था उसको लगा कि नहीं भाई, पैसा तो ठीक आ रहा है यहाँ पे, ये तो ठीक ठाक है। तो उन्होंने हमको कह दिया कि भाई देखिए सर, आपको अपना नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं देना है, हमको जरूरत भी नहीं है इसकी, हमको चुपचाप पीजी वगैरह करना है यहाँ पे। हमारी तो फौज का सपना टूटा था, समझ में नहीं आ रहा था करे क्या करें यहाँ पर, क्योंकि लाइफ बड़ी अजीब चीज होती है, जब तक आपको समझ में आएगी आधी बीत चुकी रहती है। यहाँ लाइफ में क्या होता है, सोचेंगे क्या, बनेंगे क्या, ख्वाहिश कुछ और चीज की रहती है, यही है जिंदगी, सबको इसी के साथ चलना रहता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि चलो भाई हमारा, उनको नाम पता था तो टाइटल के वजह से उन्होंने खान नाम दे दिया, खान सर। धीरे धीरे वहां पे पढ़ाते रहे, वहां पे लड़के बहुत हो गए। वो कोचिंग वालों को पैसा ज्यादा दिखता था, हमें बच्चों का करियर दिखता था। वो कहते थे सर इतने कम फी में आप इतना क्यों बता रहे हो, हम कहे सर हम कैसे करें उनके साथ, किस तरह से हम कह देंगे कि तुम्हें कम बता। इस वजह से थोड़ा सा टसल हो गया, हमको वो छोड़ना पड़ गया कोचिंग, फिर दूसरे जगह गए, तीसरे जगह। उसके बाद से हम लोग ने यहां पर आके अपना खान जीएस रिसर्च सेंटर किए। तो हमारा यहां पे कुछ खास जानकारी नहीं थी पटना में, क्योंकि हम लोग गांव एरिया से आए थे, तो यहां पे कुछ पार्टनर्स वगैरह को कुछ ढूंढे यहां के लोगों को, उन लोगों ने तो सत्यानाश ही कर दिया। उन लोगों ने सारा चीज, 6 महीने बाद उन लोगों का फुल प्लानिंग था कि कोचिंग को हड़प लेना है। उन लोगों ने कहा कि बेंच भी मेरा, कुर्सी मेरा, पंखा में सब कुछ, हम तो परेशान हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये हाल कर दिया लोगों ने कि हमारे जेब में केवल 40 रुपया बचे थे, और घर लौटने के लिए 90 रुपये चाहिए था। हम परेशान हो गए भाई, कम से कम 90 तो छोड़ो, घर चले जाएं यार, पे यहां पे क्या कर दिया, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो गंगा के किनारे हम बैठे थे शाम के वक्त में, टेंशन में, यहां पर सोचे कि अब टेंशन में जाएंगे अब रूम। तो यहां से जब रूम पे गए, वहां पे पता चला दरवाजा खटखटाए तो कोई खोल ही नहीं रहा था, बड़ा देर बाद खोले तो मुझे कहां थे, हम कहे यहीं पे नदी बैठे थे, टेंशन में थे थोड़ा सा। कहे कितना टाइम हो रहा है, हम कहे यही 7-8 बज रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि घड़ी देखो, हम देखे रात का 2:30 बज गया था, टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं, अजीब सा माहौल हो गया था। अब हमको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास केवल 40 बचा है, यानी ऊपर वाला हमको रोक रहा है यहाँ पर किसी ना किसी वजह से, तो हमें रुकना चाहिए। अब फाइनली हमने भी डिसाइड कर लिया कि अब हमको अपने फिर से एक नई शुरुआत करनी है। इस बीच हमको एक अनुभव मिला कि भाई सब पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अब टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन भारत में बहुत बेहतरीन है, ये आदि काल से देखा जाता है। तो हमने क्या किया ना, अब कोचिंग्स में ना स्टूडेंट्स जो थे बहुत, जो पुराने थे, जिनका मान के चलिए कहीं जॉब हो गया, अभी ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, ऐसे तो उन लोगों को रखे भाई देखो हम लोग को फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि ऐसे हम लोग छोड़ नहीं सकते। क्योंकि यहां पे क्या हो गया कि कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुका है, लोग इसको इनकम सोच रहे हैं। अब हम लोग आंख में इसलिए खटकते थे, हम लोग के लिए पैसे मायने नहीं रखते थे, लड़कों का पढ़ाई मायने रखता था, तो प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी। तो हम लोगों को ये शुरुआत करनी थी। अब शुरुआत किए कैसे, तैसे थोड़ा बहुत पैसे से स्टार्ट किए लोग। अब वहां पे क्या है कि जो गरीब है पैसे मत दो भैया, विकलांग हो मत दो, कभी कोई इस तरह से जोर नहीं दिया गया, इस वजह से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर अदरवाइज में आदमी पैसे के पीछे पड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस बीच हमारे कोचिंग पे बम चल गया, तबा तोड़ बम चल रहा है, हमको अजीब सा लग गया कि भाई हम कोचिंग में है कि बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारा सपना तो नहीं पूरा हो गया, हम फौज में आ गए हैं। दीजिए देख रहे हैं पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है बम से, इतनी तबाही हो गई हमको, मतलब एकदम लास्ट में आ गए कि हमको अभी लगता है यहाँ से छोड़ देना पड़ेगा। फिर लड़कों ने कहा कि सर आप हिम्मत मत हारिए, हमारे कोचिंग में, हमारा जो कैंपस है इसके अगल बगल में 17 कोचिंग है, सबका शटर बंद हो गया, सब लोग भाग गए लोग, हम लोग अकेले भाई, कम से कम कोई पूछते भी आता तो कम से कम एक सहानुभूति लगती है। लेकिन लड़के आए, लड़के लड़कियां तक आए कि सर कोई बात नहीं आप खोलिए, हम लोग चल पढ़ेंगे लोग, यहाँ कितने बम चले यहाँ पे। तो हम क्या किए, पूरे कैंपस में, मेरे कोचिंग पे सुबह में बम चला था, शाम वाले बैच में पूरे
पूरी फुल प्लेजेड से स्टूडेंट आए थे, और जो बच्चे पढ़ रहे थे उसके अगले बैच के बच्चे नीचे खड़े होकर कह रहे थे कि अगर बम चलेगा तो पहले हमारे ऊपर बम चलेगा, कोचिंग को कुछ नहीं होने देंगे। बहुत हेल्प हुआ हमको यहाँ पर, बच्चों ने ही हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और धीरे 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 ऊपर वाला सबको देखते रहता है, क्योंकि हम लोग हम दूसरे के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे से नहीं बच सकते हैं। और अचानक साथ मिला सारे बच्चे, देखते देखते हमने बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी डाला, पटना का सबसे बड़ा लाइब्रेरी हो गया, फिर कोचिंग बड़ा हो गया, सब कुछ सही हो गया, लड़कों का रिजल्ट आने लगा, सारे लड़के खुश हो गए। और खास करके उस बैच के लड़के जो पढ़ रहे थे और जिनके पास बम्बार्डमेंट हुई थी, वो भी उनके लिए पहला अनुभव था, सब डर गए थे कि आखिर क्या हो रहा है। और देखते देखते सब कुछ सही हो गया, तब तक अचानक बीच में आ गया कोरोना, और कोरोना ने लॉकडाउन किया और सब चीज घर के अंदर हो गया, और हम लोग के लिए एकदम नया अनुभव। और नॉर्मल जब कोरोना लहूगा, शुरुआती लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट था, पता चला कि अब तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, और हमारी जैसे ऑनलाइन आदमी को ऑनलाइन कुछ पता ही नहीं, फेसबुक चलाने नहीं आता हमको, सुनते हैं कि टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह होता है, लेकिन हमको आज तक टेलीग्राम पता नहीं चल पाया, और हमारे जैसे आदमी को ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो हम तो आफत हो गया मेरे लिए। तो हमारे गाँव पे मेरा दोस्त था, उसकी फोटोकॉपी की दुकान थी, छोटी सी शॉप थी फोटोकॉपी की। अब आप समझ सकते हैं फोटोकॉपी की दुकान पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी बड़ी बिल्डिंग तो होगी नहीं, छोटा सा जगह था। अब वो शटर सामने थी, शटर गिराते थे लोग, एक लकड़ी का पलाई बनाए उस पर पढ़ाना चालू किए, पता चला सामने से पुलिस की गाड़ी जाती थी, तो शटर के अंदर हम लोग पड़े हैं, पसीना हो रहा है, वैसे पुलिस का सायरन आ रहा है, आवाज आ रहा है, लड़के कह रहे सर कैसे वीडियो बना रहे, कहां से बना रहे, ना लाइट सही है ना आवाज सही है। हम कहे भाई हमको यही है जो है यहाँ पे, मेरा सारा सेटअप जो पढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पीछे पैनल लगे होते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारा पटना में रह गया था, और हमारे गाँव में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हम क्या करें। और जो 2020 का लॉकडाउन था बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो उस लॉकडाउन में हमको आना था पटना, कैसे भी आने का कोई साधन नहीं था, तो हम ट्रक के क्लीनर बन के आए थे, खलासी जो होता है ऐसे गंजी पहन के गमछा बांध लिए थे, चलो 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 ऐसे क्लीनर बन के आए यहाँ पे, खुद ही लोड किए सब कुछ किए और लेके जाए। अब स्टूडियो कैसे बनता है भाई पता ही नहीं, तो दो ठो बांस लाए, ऊपर बांस लगाए, उसमें ट्यूबलाइट को रस्सी से बांध उनके बना दिए, और वैसे ही पढ़ाना चालू किए लोगों को। अब वहां मेरे पास हर साधन आ गया पढ़ाने वाला, अब लोगों को समझ में आने लगा, धीरे 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 लोग पसंद करने लगे यहाँ पे, हाँ ये बात सही है। अब हमारे एक दिल्ली के हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, उन्होंने सारा सेटअप किया कि ये कैमरा ठीक रहेगा, ये लाइटिंग ठीक रहेगी, ऐसे ऐसे सही रहेगा, उन्होंने बहुत बेहतर काम कर दिया, मेरे लिए अच्छा हो गया। अब इस बीच अब लड़कों का कोर्स चालू करने के लिए एप्लीकेशन बनाने लगे, तो धीरे 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 लड़के एप्लीकेशन पे देखने लगे यूट्यूब पे, और हमको तो आज तक समझ में नहीं आया कि यूट्यूब पर एजुकेशन के फील्ड को हम ऐसे देखते हैं कि वो लोग भी कमेंट करते हैं, कहते हैं कि सर हमारा किसी जनरल कंपटीशन, हम किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, ना ही हमको कोई एग्जाम से मतलब है, फिर भी हम देखते हैं, हमको इस बात की इतनी खुशी होती है, इसलिए नहीं कि वो लोग हमारा वीडियोस देखते हैं, इसलिए कि जो लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं उनको भी इस बात का अफसोस है कि हमने पढ़ाई क्यों छोड़ा, और ये कन्फर्म है कि वो अपने बच्चों को या समाज को आगे पढ़ने के लिए जरूर करेंगे, और इस देश को जो पीछे गया है उसको आगे ले जाने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जिसके पास रहेगी वो कभी किसी से नहीं डर सकता, अपने अधिकार के लिए खड़ा रहेगा। तो काफी खुशी होने लगी, लेकिन ऑनलाइन का हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगा, तो धीरे 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 क्या हुआ, संघर्ष आगे बढ़ा। अब होता क्या है कि लाइफ में कभी इंसान कोई लिफ्ट की तरह बढ़ जाता है तो उसको काफी खुशी होती है, अरे बाप रे बहुत ऊंचाई पे आ गया, लेकिन जो सीढ़ियों की तरह बढ़ता है ना ऊपर जाके उसको एक थकान होती है, लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलता है कि मेहनत से बढ़े, तो उसके लिए ऊंचाई बहुत मायने नहीं रखती है। तो जो लोग देखिएगा ना उतराने लगते हैं, अहंकार कर देते हैं, लिफ्ट से बढ़ा है सब वहां पे, तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहां पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए, दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कुसूर हवाओं का नहीं होता है। आखिर में हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि ये दुख ये दर्द ये गम ये सब तेरे अंदर है, तो खुद के बनाए पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ